खास प्लेयर है जो जीता है इस साल डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर। And the domestic cricketer of the year is Sahibzada Farhan of Khyber Pakhtunkhwa. Total 1869 runs, including 487 runs in the Pakistan Cup, 447 in the National T20 and 935 runs in the Qaid-e-Azam Trophy. Ji, Sahibzada Farhan hai domestic cricketer of the year, very well deserved. Sikandar, he has had a busy year with the bat. 1800, more than 1800 runs this year in domestic. और आपने तो खेलते हुए देखा ही होगा उन्हें. What do you have to say on this win? Well, I recall जब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ओपन करने आते थे लूक रॉन्की के साथ, वो बड़ा स्टेज था इनका पहला. खेल तो बहुत पहले से रहे हैं, लेकिन उसके बाद इज नो लुकिंग बैक. इन्होंने डोमेस्टिक में अभी इस साल भी जो कायदे आजम ट्रॉफी थी, सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं. वेरी फ्लेक्सिबल, फॉर्मेट्स को चेंज करते हैं, अपने गेयर्स चेंज करते हैं, और बैट के साथ किसी भी कैप्टन की ड्रीम है. Well done, Sahibzada Farhan. Bilkul, let's see what Sahibzada Farhan has to say on being named Domestic Cricketer of the Year. बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ सब भाइयों का, जितने भी है जो मुझे मतलब दुआ करते हैं, दिल से दुआ करते हैं. और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म किया उसका सलाम मिला है. जिस तरह मेरा पिछला सीज़न थोड़ा सा अच्छा नहीं गया था, जो T20 था, फोर्डे था, तो इस साल ये कोशिश किया था कि इंशाल्लाह इस साल आऊँगा, जो T20 था, फोर्डे था, उसको टॉप करूँगा. लेकिन इसके पीछे हमारे कोच अब्दुलरहमान भाई का बड़ा हाथ है, क्योंकि वो शुरू से हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं पेशावर में. तो उसको मतलब जितने भी प्लेयर्स है उसको आइडिया है कि उसको कैसे यूज़ करने हैं, उससे काम कैसे लेने हैं. तो उसमें अब्दुलरहमान भाई का मैं क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा, जिस तरह उसने हमें यूज़ किया और हमसे काम लिया उसने. जी बिल्कुल, इस साल मेरा यही एम था कि इंशाल्लाह इस साल मैं 300 से 400 करूँगा. मैं स्पेशली रिफत भी से ये बात करता था कि मेरा 100 नहीं हो रहा, तो वो साथ साथ में वो समझाती भी रहे और साथ साथ मेरे साथ काम भी करते थे, स्पेशली नेट में भी मेरे साथ 1-to-1 काम करते रहे. तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला आपके सामने, ये सब बहुत मोटिवेशन मिले, क्योंकि अगर आप परफॉर्म करते हो आपको उसका सिला मिलते हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि आगे मुझे इसका और भी आगे सिला मिलेगा, मुझे पाकिस्तान खेलने के लिए चांस भी मिलेगा. जितने भी आगे है उम्मीद करता हूँ अच्छा से अच्छा होगा. ओके जी, अब बारी है आज के फाइनल अवार्ड की, वो है मोस्ट वैल्यूएबल.